तपते बन मैं रहे प्यासे जो ये सूखा पानी तपते बन मैं रहे प्यासे बच्चे जो ये भी तो आंखों से न निकला अरे बच्चे जो ये भी तो आंखों से न निकला पानी तपते बन मैं रहे प्यासे क्यों करो कलेजा पानी प्यास पर उनकी न क्यों करो कलेजा पानी अरे तीन दिल दिल को न लो धूप में पहुंचा तीन दिन दिल को लो धूप में पहुंचा पानी तपते बन मैं रहे प्यासे हाय बेबसी देखे अब्बास का दीदार बच्ची ने जो मुँह खोड़ के मांगा प्यासी बच्ची ने जो मुँह खोड़ के अरे बह गया उतना लहू लाए थे जितना अरे बह गया उतना लहू लाए थे जितना लाए थे जितना पानी तपते बन मैं रहे प्यासे Yeah.
जब लाशे कासिम को अलमदार ने देखा, जब लाशे कासिम को अलमदार ने कब्जे की तरफ गैर से जलाल ने देखा, कब्जे की तरफ गैर से जलाल ने देखा, कब्जे की तरफ मुँह भाई कालों कर सहे देगा कि अल बड़ा दार नमक ने देगा कि अल बड़ा नमक ने देखा, तेगों से अजब सर्व रमा कट गया का वल्लाह के दिल जी से अब हट गया, वल्लाह के दिल जी से अब हट गया का वल्लाह के दिल जी से अब हट गया, तो अब्बास गिरे पाँव पाँव गर्दन को झुका कर रोने लगे, शह भाई को छाती से लगा, बानों ने कहा गश से सकी ना को जगा, बानों ने कहा गश से सकी ना को जगा, अरे सदके गई देख आओ चचा जान को जा, सदके गई देख आओ चचा जान को जा, इस तरह जो शाहे शहदा रोते हैं पी
सरोवर से अलंदाज होगा होते हैं सरोवर से अलंदाज होगा होते हैं भी सरोवर से अलंदाज होगा होते हैं भी तो ये सुनते ही घबरा के चले जल्द वो बेहार अरे ऊदे हुए जाते थे लबे लाल ये थी प्यार ज़ैनब ने कहा आती है लो आशिक अबा ज़ैनब ने कहा आती है लो आशिक अबा अब्बास ने गोदी में लिया आके बसाया बहते थे जो आंसू खलफे तेरे खुदा के अरे सूखे हुए लब मलने लगे मुंह से चचा सूखे हुए लब मलने लगे मुंह से चचा सूखे हुए मलने लगी मुंह से चचा सूखे हुए तो अब्बास ने रो कर कहा क्या चाहिए पानी शर्मा के सकीना ने ये की अर्ज के पान शर्मा के सकीना ने ये की अर्ज के पानी तो अब्बास ने फरमाया बसर अश्कु फिशान अल्लाह बुझाएगा तेरी तशना दार 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 मेरे लोगों से उतरो तो हम अब जाए सकीना ले आओ कोई मस्कु तो भर लाए सकीना ले आओ कोई मस्कु तो भर लाए सकीना ले आओ कोई मस्कु तो भर लाए सकीना तो ये सुनते ही उस प्यासी में एक जान सी आई सिजा गई और दौर के मस्जिदा ले आई यूं कहने लगी रो के वो सभी सिजाया यूं कहने लगी लोके वो शबीर की जा अरे मैदान में चली आऊंगी घर के ला अरे मैदान में चली आऊंगी घर के लगाई मैदान में चली आऊंगी घर के लगाई जलाऊंगा जलिया से ये फरमा के सिधारो जाते हो तो आने की कसम खा के जाते हो तो आने की कसम खा के सिधारो जाते हो तो आने की कसम खा के सिधारो जाते हो तो आने की तो अब्बास ने की अर्ज के दरिया नहीं कुछ दूर मशकीजा भरा और फिरे खुर्रम मसरू और आगे मेरी जान जो अल्लाह को और आगे मेरी जान अल्लाह को माने हुई आने में अगर मौत तो मांगो माने
उयाने में अगर मौत तकदीर से क्या जोर है सकाए हरम का वादा करें क्यों कल के भरोसा नहीं वादा कर क्यों कल के भरोसा नहीं भरोसा नहीं दाम का वादा करें क्यों करके भरोसा नहीं दाम लिखा है कि एक था दिलवर का सितमारा से उसकी लगी दोषे मुबारक पकड़ा बेदस्त हुआ है दले कलार का दिया बेदस्त हुआ है दरे कलार का प्यारा है मन का निशान खून में सर हो गया सारा देखो तो जरा जुलते सकाए हराम को और सादेर कते हाथ से छोड़ा ना सादेर कते हाथ से छोड़ा नाम को देर कटे हाथ से छोड़ा ना तो यहाँ था अभी ये जिक्र के बरपा हुआ मैं अरे रोने में लगे देखने से खैमे को मुड़का देखा के हरम घर से निकल आए हैं बाहर चिल्लाती है फिजा अली अकबर अली अकबर चिल्लाती है फिजा अली अकबर अब नुकरे सुल्तान मदीना नहीं अरे अब्बास से कह दो के सकीना नहीं अब्बास से कह दो के सकीना नहीं सामने अब्बास से कह दो के सकीना नहीं सामने अरे अब्बास से कह दो के सकीना नहीं समझी तो फिजा की ये आवाज जो अब्बास तक आई अरे फजाने लगा नजा में वो छेका फिजा फजाने लगा नजा में कैसे कहा आती है आपकी जान अरे दामन से मेरे मुंह को छुपा दीजिए दामन से मेरे मुंह को छुपा दीजिए भाई दामन से मेरे मुंह को छुपा दीजिए भाई कहते ही दुनिया से सफल कर गए अरे मुंह फेर लिया शर्म से और मर गए मुंह फेर लिया शर्म से और मर गए जब लाचे पास को रहा जाने नबी ये वाय नहरे अल्कमा उठती लब सूखा
खुदा शेरे खुदा की आल का वो तेरे होठों पर तरी वाए नहरे कमा तूफान उठाना था तुझे या सूख जाना था तुझे कुछ तूने खिदमत ही न की वाए नहरे कमा एक मश्क पानी के लिए अब्बास के शान कटे नदी लहू की बह गई वाए नहरे कमा एक चादर आबेरवा ओढ़े हुए तू नौहपा ज़ैनब की बेचादरी के सकीना बह गए मुँह देखते सब रह गए तू और तेरी दरिया दिली दस्तूर था मेहमान कितनी दूर था क्या पांव में जंजीर थी वाए नहरे कमा आता है उसको याद जब वो कारवाने तशना लग है नजम का नौहा यही अब्बास के लाश पे शबी पुकारे उठो मेरे भाई उठो मेरे भाई हम खैमे से आए हैं लेने को तुम्हारे उठो मेरे भाई पीरी का साथ छिन गया हम हो गए बेआस कोई न रहा पास आ जाओ तुम ही मेरी पीरी
देखो मेरे भाई, क्या ये भी कोई इश्क़ मोहब्बत का है अंदाज़, ए आशिक़ जांबाज़। दरिया को तो कह कर गए कौसर को सिधारे, उठो मेरे भाई, तुम बाल सकीना के लिए लाए न पानी, वो रोती है जान। बच्ची की जबान देखो रस घर के इशारे, उठो मेरे भाई। एक यास कालम है कि तन्हा हूँ बरादर, ये शेर दिलावर। अंसारो ऐसा मेरे मारे गए सारे, उठो मेरे भाई। कुर्बान हुए मश्क पर तुम जान बरादर, लेकिन मेरे सफदर तुम अर्श वफा के हो चमक ते हुए तारे, उठो मेरे भाई। ढारस थी बड़ी सबको ख्याल, इसका तो करते गुर्बत में न मरते। तुम जीते मगर हम भी तो हिम्मत नहीं हारे, उठो मेरे भाई। छीनेंगे रिदा ज़ैनब कुलसुम की अशरार, ए गाजी ओ जर्रार। हम छोड़ के अब जाएं उन्हें किसके सहारे, उठो मेरे भाई। कहते थे वजीरा ये जब शाह दो आलम, एक हश्र थपे हम। कहते थे वजीरा ये जब शाह दो आलम, एक हश्र थपे हम। तुम मुझसे ज़ईफ़ी में जुदा हो गए प्यारे, उठो मेरे भाई, उठो मेरे भाई। अब्बास के लाशे
शफीक पुकारे उठो मेरे भाई, उठो मेरे भाई, हम खैमे से आए हैं लेने, उठो मेरे भाई, पीरी का साथ छिन गया हम हो गए बेआस, कोई न रहा पास, आ जाओ तुम ही मेरी पीरी के सहारे, उठो मेरे भाई, क्या ये भी कोई इश्क़ मोहब्बत का है अंदाज़, ए आशिक़ जांबाज़, दरिया को तो कह कर गए कौसर को सिधारे, उठो मेरे भाई, तुम बाल सकीना के लिए लाए न पानी, वो रोती है जानी, बच्ची की जबान देखो रस घर के इशारे, उठो मेरे भाई, एक यास का आलम है कि तन्हा हूँ बरादर, ये शेर दिलावर, अंसारो इज़ा मेरे मारे गए सारे, उठो मेरे भाई, कुर्बान हुए मश्क पर तुम जान बरादर, लेकिन मेरे सफदर तुम अर्श वफा के हो चमक ते हुए तारे, उठो मेरे भाई, ढारस थी बड़ी सबको ख्याल इसका तो करते, गुर्बत में न मर तुम जी, मगर हम भी तो हिम्मत नहीं हारे, उठो मेरे भाई, छीनेंगे रिदा ज़ैनब कुलसुम की अशरार, ए गाजी ओ जर्रार, हम छोड़ के अब जाएं उन्हें किसके सहारे, उठो मेरे भाई।
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا کل کی گفتگو کا خاتمہ اور اس کو کسی نتیجے پر پہنچنا ضروری ہے. ہجرت کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور ہجرت کی تاریخوں کے متعلق میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اس سلسلے میں ایک ضروری اور مناسب حوالہ پوری قوم کے حوالے کر رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان بوڑھے بچے بہنیں خواتین اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے پھر اپنے شعار کو بھی پہچانے کہ ہمارا شعار کیا ہے. اخبار بذات خود میری نگاہ میں یہ تقاضا نہیں کرتا کہ جو کچھ بھی لکھا جائے اس کا جواب دیا جائے. میں صرف اس حصے پر گفتگو کرنے کا عادی ہوں جہاں سے ہم علم کو ڈھونڈیں اور علم کی نشر و اشاعت کی فکر کریں, ورنہ ہزاروں اخبار روزانہ صبح سے شام تک کیا کیا نہیں لکھتے لیکن اس پر بحث کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی. جہاں ہم علم کو ڈھونڈتے ہیں, علم کو تلاش کرتے ہیں اور اپنے شکوک کو دور کرنا چاہتے ہیں اور ایمانداری سے چاہتے یہ ہیں کہ اسی اعتراض اور سوال کی رو میں ہم اپنے مسائل کو حل کر لیں, تو اس سے بہتر کوئی تحریک نہیں اور ایسے موقع سے ہم یقیناً فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بحث یہ تھی کہ ہجرت کب ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو بہت غور سے سنیں. میں اب جس کتاب کو آپ کے سامنے پڑھوں گا یہ تاریخ اسلام ہے اور تاریخ اسلام کی یہ پہلی جلد ہے. پہلی جلد تاریخ اسلام اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی, یہ سلیم گاہندری نے اس کی اشاعت کا انتظام کراچی سے کیا تھا. یہ کتاب ہمارے نصاب میں بھی ہے اور نفیس اکیڈمی بلاسس اسٹریٹ کراچی, اس کے تین حصے ہیں. میں پہلے والیوم سے پہلے حصے سے بعض اقتباسات کو سنا رہا ہوں. ایم اے کے کورس میں یہ کتاب ہے, بہت غور سے سنیے. بالآخر ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے 14th سال بنو ہاشم کے تمام سوا نبوت کے معنی یعنی جب بعثت ہوئی تھی جبکہ آپ نبی ہوئے تھے, اس کے بعد سے گویا 14th نبوت کے 14th بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار ندوے میں اس مسئلے پر غور و خوص کے لیے جمع ہوئے. اس اجلاس میں قریش کے مشہور اور قابل تذکرہ سردار یہ تھے: ابو جہل ابن حشام, بنیہ و بنی پسران حجاج
उमैया बिन खुल्फ, अबुल बख्तरी बिन हशाम, जमआ बिन अस्वद, हकीम इब्न हजाम, नजर इब्न हारिस, उतबा, शैबा, पिसरा ने रबिया, अबू सुफियान इब्न हर्ब, तैमा इब्न आदि, जुबैर इब्न मुतिम, हारिस इब्न आमिर, इन काबिल तस्करा लोगों के अलावा और बहुत से सरदार इस मजलिस में शरीक थे। एक बहुत तजर्बाकार बूढ़ा शैतान नजद का बाशिंदा भी इस इजलास में शरीक हुआ। यह तारीख है और मैं पहले दिन इस पर बहस कर चुका हूं कि जब किसी के नाम पर गुफ्तगू मकसूद नहीं होती तो इसी तरह से इशारा किया जाता है। एक बहुत तजर्बाकार बूढ़ा शैतान नजद का बाशिंदा भी इस इजलास में शरीक हुआ। यही शेख नजद इस इजलास का प्रेसिडेंट था। इस पर तो सबका इत्तेफाक था कि हजरत की ज़ाते मुबारक ही तमाम खतरात पेश आइन का मरकज व मंबा है, लिहाजा ज़ेर बहस मसला यह था कि आपके साथ क्या बर्ताव किया जाए। एक शख्स ने कहा, मोहम्मद को पकड़कर जंजीरों से जकड़ दो, एक कोठरी में बंद कर दो कि वहीं जिस्मानी अजियत और भूख प्यास की तकलीफ से हलाक हो जाए। ते शेख नजदी ने कहा, यह राय अच्छी नहीं, क्योंकि उसके रिश्तेदार और पैरो सुनकर उसके छुड़ाने की कोशिश करेंगे और फसाद बढ़ेगा। दूसरे शख्स ने अपनी राय इस तरह बयान की कि मोहम्मद को मक्के से जिलावतन कर दो, फिर मक्के में दाखिल न होने दो। इस राय को भी शेख नजदी ने यह इस दलाइल के साथ रद्द कर दिया। गरज इसी तरह इस जलसे में थोड़ी देर तक भांत भांत के जानवर बोलते रहे और शेख नजदी हर एक राय का गलत और नामुनासिब होना साबित करता रहा। बिल आकर अबू जहल बोला, मेरी राय यह है कि हर एक कबीले से एक एक शमशीर जन इंतखाब किया जाए। ये तमाम लोग बैक वक्त चारों तरफ से मोहम्मद को घेर कर एक साथ वार करें। इस तरह कत्ल का फेल अंजाम पजीर होगा तो मोहम्मद का खून तमाम कबाइल पर बढ़ जाएगा। बनु हाशिम तमाम कबाइल कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा वो बजाय किसास के दियत कबूल कर लेंगे और दियत बड़ी आसानी से सब मिलकर अदा कर देंगे। अबू जहल की इस राय को शेख नजदी ने बहुत पसंद किया। तमाम जलसे ने इत्तेफाक राय से उस रेजोल्यूशन को पास किया। इधर दारुन नदवे में यह मशवरा हो रहा था, उधर आ हजरत सलम को खुदा ताला बजरिए वही कुफार के तमाम मशवरों की इत्तला दे रहा था और हिजरत का हुक्म नाजिल फरमाया। कौन सी तारीख थी? सफर के महीने की आखिरी तारीख थी। आ हजरत सल्लम अपने मकान से निकलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के मकान पर तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर आपके मुंतजिर थे। उसी वक्त दोनों रवाना हो गए मक्के की नशेबी सिमत। चार माइल के फासले पर कोहे सौर के एकार में, जो गारे सौर के नाम से मशहूर है, छुप कर बैठ रहे। उधर मक्के में हजरत अली करमल्लाहु वजहु रात भर आपके बिस्तर पर इस्तराहत फरमाते रहे। कुफ्फारे मक्का भी रात भर मकान का मुहासरा किए हुए खड़े रहे और हजरत अली करमल्लाहु वजहु को बिस्तर पर सोता हुआ देखकर रसूल का गुमान करते थे और आपके उठकर बाहर तशरीफ लाने का इंतजार करते रहे। जब नमाज फजर के लिए हजरत अली करमल्लाहु वजहु ख्वाब से बेदार होकर उठे तो कुफ्फार ने पूछा, मोहम्मद कहाँ है? हजरत अली ने कहा कि मुझको क्या खबर, खबर तो तुमको होनी चाहिए कि तुम रात भर पहरे पर थे, मैं तो रात भर सोता रहा। कुफ्फार ने हजरत अली को पकड़ लिया और थोड़ी देर तक गिरफ्तार भी रखा, फिर उसको फिर छोड़ दिया। हजरत अली ने इत्मीनान से तमाम अमानतें उनके मालिकों को पहुंचा दी। अब्दुल्ला इब्ने उरैकत दो ऊंटनियां और एक अपना ऊंट लेकर गारे सौर के नजदीक दामने सौर में रात के वक्त पहुंचे। ये माह रबीउल अव्वल की चांद की रात थी। गारे सौर से चले, आखिरी तारीखों में दारुन नदवा में मशवरा हुआ। 29 सफर या 30 सफर को चले, बहरहाल इक्को में रबीउल अव्वल की शब थी। यह मुख्तसर काफिला रात के पहले ही हिस्से में रवाना हो गया और अगले दिन एक कुम रबीउल अव्वल 14 नबवी के सपहर तक गर्म सफर रहा। सपहर के करीब खेमे उम्मे मोईद पर पहुंचे। ये बूढ़ी औरत कौम कुजाआ से थी, मुसाफिरों को पानी वगैरह पिला दिया करती थी। यहां आपने बकरी का दूध पीकर थोड़ी देर आराम फरमाकर फिर रवानगी का हुक्म दिया। पहली रबीउल अव्वल, अब यह रास्ता गारे सौर यानी नशेबी मक्के से रवाना होकर अब्दुल्ला इब्ने उरैकत आपको साहिल समंदर की जानिब लेकर चला। बहुत गौर से सुनिए,
मकाम अजकान से उधर थोड़ी दूर आम रास्ता तय करके मकाम उज के जेरीन जानिब मकाम कदीद तक सफर जारी रहा, फिर शारे आम को काट कर खर्रार के मैदान में कत मुसाफत करता रहा। मुसनतुल मुर्रा लफ्त मुदलजा मखाज वगैरह मकामात में होता हुआ यह काफिला जुल अजवाइन के इलाके को तय करके जी सिल्म के सहरा में होता हुआ अल अबाबीद अल अरज के मकामात से गुजरा। अल अरज की नशेबी वादी में आपके इस काफिले का एक ऊंट चलते चलते थक गया। वहां कबीले असलम के एक शख्स औस इब्ने हजर से एक ऊंट लिया। औस इब्ने हजर ने अपना एक गुलाम भी आपके साथ कर दिया। वहां से यह काफिला मसनतुल गायर का रास्ता तय करता हुआ वादी रीम में पहुंचा। वादी रीम से चलकर दोपहर के वक्त कुबा के करीब पहुंचे। इख्तिताम सफर 8 रोज के सफर के बाद आ हजरत सलम 8 रबीउल अव्वल 14 नबवी को दोपहर के वक्त कुबा के करीब पहुंचे। कुबा मदीने से चंद मील के फासले पर है और वो मदीने का एक महल्ला ही समझा जाता था। वहां कबीले बनू उमरू बिन औफ के लोग बकसरत आबाद थे, रोशनी इस्लाम से मुनव्वर हो चुके थे। मक्के से आपकी रवानगी की खबर कई रोज पहले मदीने में पहुंच चुकी थी, इसलिए अंसार मदीना रोजाना सुबह से दोपहर तक बस्ती से बाहर निकलकर आपके इंतजार में खड़े रहते थे। आप दूर से तशरीफ लाते हुए नजर आए। जब धूप खूब तेज और नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और लोग अपने घरों को वापस जाना चाहते थे कि एकाएक आ हजरत कबा से नमूदार हुए। 8 रबीउल अव्वल। अब इसके बाद यह पूरा सफर मैंने क्यों पढ़ा था, किस किस रास्ते से होकर आए, किस किस मंजिल से होकर आए, उसको गौर से सुनिए और यहां मैं तकरीर खत्म करूंगा इस किताब की हद तक। आप कबा में रोजे दोशंबा के रोज दाखिल दोशंबे के रोज दाखिल हुए और जुमे तक यहीं मुकीम रहे। आ हज़रत सलम कुलसूम बिन हदम के मकान में रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक हबीब इब्ने असाफ के मकान में फरोकश हुए। साद इब्ने कुसैमा के मकान में आप मजलिस फरमाते और इसी मकान में लोग आकर आपकी जियारत करते। कुबा में आपने इन्हीं चंद अय्याम के अंदर एक मस्जिद की बुनियाद रखी और यह सबसे पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई। अभी आप कुबा ही में फरोकश थे कि हजरत अली करमल्लाह वजहू भी आपकी खिदमत में पहुंच गए। हजरत अली करमल्लाह वजहू ने यह सफर मक्के से मदीने तक पैदल तय किया। आप जब तक गारे सौर में रहे हजरत अली मक्के में मुकीम रहकर अमानतें लोगों को सुपुर्द करते रहे। अजीब इत्तेफाक है कि जिस रोज आ हजरत गारे सौर से मदीने की तरफ रवाना हुए उसी रोज हजरत अली भी मक्के से मदीने की तरफ चले, मगर हजरत अली चूंकि तन्हा रवाना हुए इसलिए आप रात भर तो रास्ता चलते और दिन के वक्त कहीं छुप कर रह जाते। आ हजरत सल्लम मारूफ रास्ते से बचकर तशरीफ लाए और 8 दिन में कुबा पहुंचे। हजरत अली मारूफ रास्ते पर आए मगर चूंकि पैदल थे इसलिए आपसे 3 या 4 दिन बाद कुबा पहुंचे। खैबर का तस्करा सुनने वालों, खंदक में अली की जंग देखने वालों, बद्र में अली के हमलों का जिक्र सुनने वालों, ये एक अजीब हकीकत है हिजरत की कि अब तक बिस्तर हिजरत पे नजर थी, अब पता चला कि हिजरत ऐसी होती है, ऐसी होती है कि मक्के से मदीने तक आज भी हाजियों से पूछो रास्ता कितना है और आज भी ये पूछो कि कितने पापी याद आ जाते हैं। मगर ये है असल हिजरत कि जो रसूल की तरफ हिजरत करे। पाप यादा आए अली 21 बरस का सिन है, कुल 21 साल का सिन है या 22 साल का सिन है, लेकिन दुनिया खैबर के हमले को तो याद करती है मगर इस सफर के मुतालिक गालिबन दुनिया ने अभी ख्याल नहीं किया कि क्या हिम्मत थी, क्या शुजाअत थी, किस धुन में चले थे। कुफ्फारे कुरैश जानते थे कि अली से लड़ना बेसूद है या लड़ न सके,
मगर अली चले तन्हा चले पियादा पाए, यह तारीख लिखती है। तो बहरहाल अगर इसी अंदाज में गौर किया जाए तो पता चलेगा कि आपके सामने पूरी तारीख एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ पढ़ी गई। एक कुम रबीउल अव्वल को चले मक्के से, 8 रबीउल अव्वल के दोपहर में 4 बजे कुबा पहुंचे। अब ईद या पहली अव्वल को हो या हिजरत का साल पहली रबीउल अव्वल से शुरू करें मुसलमान, हम आमादा हैं। मुहर्रम को छोड़िए, मुहर्रम पहला महीना नहीं ना सही, 11वां महीना सही, रबीउल अव्वल से शुरू कीजिए। और अगर हिजरत की ईद मनानी है तो उस दिन ईद मनाई जाए जिस दिन पहुंचे, जिस दिन पहुंचे उस दिन ईद मनाई जाए। मगर आपकी इत्तला के लिए एक बात अर्ज करूं, ये एक अजीब बात है, कम से कम मुसलमान जाके देखें, रौज़ा हुसैनी में 29 ज़िलहिज की शाम को चांद हो या ना हो, गुंबदे बुलंद पर सियाह परचम नस्ब हो जाता है 29 ज़िलहिज की शाम को, रोज़े हुसैन पे सियाह अलम आ जाता है। और जैसे ही 30 सफर या 29 सफर को चांद नजर आया, पहली रबीउल अव्वल को रोज़े हुसैन पे सुर्ख परचम आ जाता है। ये करबला में आज तक है तारीख, और शुरू से है जब से कि यह रोजा बना, एक कुम रबीउल अव्वल को सुर्ख परचम आ जाएगा, यह शार है। तो यह सुर्ख परचम और सियाह परचम लुत्फ वहां देते हैं जबकि कहीं गम हो तो कहीं खुशी हो, कहीं गम हो तो फिर खुशी भी लुत्फ दे। ये लोग क्यों ऐलान करते हैं और क्यों ये चाहते हैं कि पहली मुहर्रम को हम ईद करें और खुशी करें और साल नौ का आगाज करें मसर्रत से, भाई हर रोज हंसते हो ना, वो कौन सा दिन खुशी का नहीं है, किस दिन गम मनाते हो जो इस दिन खुशी करोगे, जिस दिन गम मनाते हो, ये बातें तो उसको जेब देती हैं कि जिसके पास कुछ दिन मातम के हो तो वो साल नौ को खुशी से आगाज करे। यहां तो हर रोज रोजे ईद है, हर शाम जहां शाम आयश हो, जिनके लिए कोई फिक्र ना हो कि 8वीं मुहर्रम है 7वीं मुहर्रम है, देखिए बाहर देखिए कहां कहां रक्स गाहें खुली हुई हैं, कहां कहां नशात गाहें खुली हुई हैं, क्या क्या तमाशे और कैसे कैसे इंसान के लिए दिल फरेब मनाजिर अपनी बूकलमू रंगूनी रंगीनियों के साथ नजर आ रहे हैं। इनके लिए कोई खास रोजे ईद की क्या जरूरत है, ईद तो वहां चाहिए उस गरीब कौम के लिए चाहिए जो कुछ दिन रोए फिर ईद करे, कोई दिन रोए ईद करे। बहरहाल एक गम है, एक हम है, एक मातम है, एक ईद है। ये इस तरह से कि हम पहली तारीख को खुशी करेंगे कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, मगर साल के पहले महीने को पहले तय कर लें, हिजरी साल के पहले महीने को तय कर लें कि पहला महीना कौन सा होना चाहिए। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, और इससे बेहतर क्या वक्त होगा जबकि आप अपने लिए सारे वसाइले हयात को फराहम कर रहे हैं और सारे दसातीरे जिंदगी पर आपकी नजर है। तो यह भी हो सकता है कि हम रबीउल अव्वल से अपना साल शुरू करेंगे, और होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। जाहिर है कि हर ममलिकत का एक अपना सनो साल होता है, एक अपना कैलेंडर होता है, एक अपनी तारीख होती है। आजाद ममलिकत पाकिस्तान के 10 करोड़ बाशिंदों के लिए अगर हिजरी साल का आगाज रबीउल अव्वल से हो तो कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो, तारीख भी यही है और मशवरा सही भी आपको यही मिलेगा। मुहर्रम को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए कि वो बहुत सो के लिए बाईस से जहमत महीना है,
बहुत सों के लिए बाई से अलम है, बाई से रंज है, कहीं दिमागी अलम है और कहीं कल्ब पे सदमा है, कहीं आंखें गरिया है, कहीं दिल में सोजिश है। बहरहाल दोनों हैसियत से मुहर्रम जहमत दे है और यकीनन इंसान को तकलीफ में। गरामी इस एतबार से जब मुहर्रम में कोई और वाकया रूनुमा नहीं हुआ है और न तारीख ने किसी ऐसे वाकये का जिक्र किया है जो मुहर्रम में रूनुमा हुआ हो, तो फिर मुहर्रम का चांद देखते ही वही वाकया याद आएगा जिसका ताल्लुक मुहर्रम से है। इसीलिए अगर उलमा ने यह लिखा या किसी कलम नवीज ने यह लिखा या किसी नामनिगार ने यह लिखा कि मुहर्रम करबला को याद दिलाता है, तो उसमें हैरानी और परेशानी का कोई मकाम नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी अजीजो आले मोहम्मद से कुछ कल्बी लगाव पैदा होते नजर नहीं आ रहा है। इतने जमाने के बाद भी ऐसा मालूम होता है कि आले मोहम्मद से अभी कल्बी लगाव पैदा नहीं हुआ। जरा सा भी ताल्लुक हो आले मोहम्मद से, यानी कल मैं अर्ज करूंगा नश्तर पार्क में क्या जरूरत थी मिल्लत मुसलमान अपने इख्तिलाफ फिकी के साथ, अपने इफ्तराक मकातीब फिक्र के साथ, फिर भी अगर जरा सा थॉट में आले मोहम्मद से मदद ले, फिक्र में मदद ले, कोई तफसीर में क्या कहा, रिजाल में क्या कहा, तौहीद में क्या कहा, नबुव्वत में क्या इरशाद है, कुरान के मुतालिक क्या इरशाद है, तो मुसलमानों को बड़ी मदद मिलती, बड़ी मदद मिलती। लेकिन यह एक अजीब हकीकत है कि मदद लेने की किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने कोशिश नहीं की, और बजाय इसके यह तय किया कि हम अपने अफकार को उस फिक्र के ताबे नहीं होने देंगे, ताबे नहीं होने देंगे, और वहां उन हस्तियों का यह ख्याल था कि किसी सूरत तरबियत हो, तरबियत पाए मुसलमान, किसी सूरत इनकी निगाह फिक्र, इनका शऊर, इनका ताकुल आगे बढ़ता जाए, मगर ऐसा मालूम हुआ कि बहुत कम इमदाद ली गई। अब वाकई दोस्तों ने जो उस फिक्र से अपने आप को सुकून देने की कोशिश की और फिक्र को अपनाया और ताकुल की कोशिश की, तो उन बातों में दोस्तों की अनोखापन नजर आया। आले मोहम्मद के दोस्तों की बातों में अनोखापन नजर आया, और बड़े बड़े मौर्रखीन ने, जिसमें इब्न खल्लदून भी है, उन्होंने भी यह कहा कि ये लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, इनकी फिक्र अजीब है। और आज भी बाज किताबें ऐसी लिखी गई जिसमें यह बतलाया गया कि ये जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि मोहब्बत इन पे गालिब हो गई है और वो एक ही रुख से इस्लाम को देखते हैं। लेकिन मैं जाहिर है कि ज्यादा वक्त ले नहीं सकता हूं, मगर मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत में हमारी फिक्र दुनिया को समझ में नहीं आती, तो उसमें यकीनन हमारा कसूर तो नहीं है, मगर हम यह पूछना चाहते हैं दुनिया से कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में क्या कसूर है। हमारी बातें समझ में नहीं आती तो खैर जाने दीजिए, वो सतह जहनी है, सतह फिक्र है, मगर उनकी मोहब्बत में क्या कसूर है, उन अफराद में क्या कोताहियां हैं जिनकी मोहब्बत पर हम नाश करते हैं, उनमें से एक एक फर्द की जिंदगी में क्या नकायस हैं,
कि वो मोहब्बत के काबिल न हो, यही काम करें मुफक्किरीन, यही काम करें कि इन वजूहात की बिना पर इनसे मोहब्बत न रखी जाए, इन वजूहात की बिना पर इनसे ताल्लुक न रखा जाए। इस्लाम पे जब वक्त आए तो आले मोहम्मद आए, जब मुसीबत पड़े इस्लाम पर तो आले मोहम्मद आए। किसी लड़ाई में कोई ऐसी बात हो जाए जहां मुहासिबा हो जानों का, आले मोहम्मद आए। खत्मी मर्तबत की हिफाजत का जब मसला आए, आले मोहम्मद आए। और जब कुर्बानी देकर इस्लाम को एक दो राहे पर खड़े होकर आवाज देने का वक्त आए कि कयामत तक अब इक्तदार और हवस इक्तदार की हकीकत को जान ले मुसलमान, तो उस वक्त कुर्बानी भी आले मोहम्मद दें। और जब उनसे जज्ब की गुफ्तगू हो, वजअल अफ़ईदतम मिनन नास तहवी इलैह, के इंसानों के कुलूब को उनकी तरफ फेर दे, जब यह गुफ्तगू हो तो कहते क्यों क्यों। एक मुख्तसर सा तज़िया है, आप बहुत ही एक इसको एक सीरियस थॉट समझें, और अच्छा है कि इंसान इसी तरह से सोचने का आदी हो कि जब किसी ऐसे मौके पर कि जहां इस्लाम को बचाना मकसूद, तो हमने आले मोहम्मद को देखा, आले मोहम्मद को देखा, और फिर जब हमने आले मोहम्मद को आवाज दी, उनके फजाइल बयान किए, तो दुनिया ने कहा कि नहीं ये गुलू है, मुबालिगा है, आप एक ही रुख से मजहब को देख रहे हैं, इनकी मोहब्बत क्या काम आएगी, काम आएगी या नहीं आएगी, एक जमात की हैसियत से जी रहे हैं, एक जमात की हैसियत से जी रहे हैं, उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना हंसना रोना सब साथ है, एक मोहब्बत ने मरकजियत दे दी है, उनका नाम लेके जीते हैं, उनका नाम लेके मर जाते हैं, अगर है कहीं कयामत तो यकीनन मोहम्मद अरबी होंगे, अगर मोहम्मद अरबी होंगे तो नवासा भी कहीं करीब होगा, दामन को थामने वाले दामन को थाम लेंगे, ये किस्सा कयामत का है, देखेंगे फिर कयामत। दुनियावी एतबार से मैं जो दावत फिक्र दे रहा हूं वो ये कि हम पर मोहब्बत का इल्जाम देने वाले भी आखिर वो भी किसी से मोहब्बत रखते हैं, खुला जाएगा किसी से, इनके दिल के किसी गोशे में किसी से मोहब्बत है, आ नहीं सकती है, इख्तदार वक्ती होता है, मोहब्बत का मरकज नहीं होता, इख्तदार हमेशा वक्ती होता है, मोहब्बत का मरकज नहीं होता। और फिका के मकातीब अमल की दावत देते हैं, चूंकि कुर्बानियां नहीं होती, दर्द नहीं होता, सिर्फ अवामिर होते हैं, नवाही होते हैं, इसलिए कोशिश होती है कि अच्छा हो सके तो आपसे ले ले फिका, मगर दूसरा मुश्तहिद कहता है कि यह मसला गलत है, यह मसला मुझसे पूछो, तीसरा मुश्तहिद कहता है मसला मैं बतलाता हूं, चौथा मुश्तहिद कहता है मसला मैं बतलाता हूं, हर दौर में मुश्तहिद आते हैं, इसलिए किन किन से आप मोहब्बत करेंगे। फिका का यह आलम मकातिब फिकी का कि मुश्तहिदीन पैदा होते रहे और मोहब्बत मरकजियत ना पा सकी, तो अब ना फुकहा से मोहब्बत हो सकी, ना इख्तदार से मोहब्बत हो सकी, ना मुलुकियत से मोहब्बत हो सकी, ना सदर अव्वल में किसी से मोहब्बत हो सकी, ना इस दौर में किसी से मोहब्बत हो सकी, बेमोहब्बत जी रहे हैं, बेमोहब्बत जी रहे हैं। और इल्जाम ये है कि तुम क्यों ये दावा करते हो मवद्दत का, तो अब अजीब मुसीबत यह है कि इंसान एक मरकज के लिए जिंदगी में बड़ी बड़ी कोशिशें करता है, बड़ी बड़ी कोशिशें करता है, जाहिर है कि हक से दोस्ती और हक से मोहब्बत न रखने वाले अब
दुनियावी मोहब्बतों में यकीनन उलझ जाते हैं। बाप से मोहब्बत है, बेटे से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, घर से मोहब्बत है, बकौल कुरान के अपनी तिजारतों से मोहब्बत है, अपने मसाकिन से मोहब्बत है, रहे हुए मकानों से मोहब्बत है। अब ये मोहब्बतें सब बढ़ गई। अब मरना तो मुसल्लम है, अब जब मौत में वो वक्त आया जिसको नजा का हंगाम कहते हैं, तो सारी मोहब्बतों ने मिलकर हमला कर दिया। सारी मोहब्बतों ने मिलकर हमला कर दिया कि जाता किधर है, और यहां ये दिल जो सबके साथ मिला हुआ है, सबके साथ फंसा हुआ है, ये उधर जाने के लिए मायल नहीं है। और उधर मलाइका कह रहे हैं कि आओ, इस कश्मकश में बेचारे की जान जाती है कि जैसे रस्सा कशी हो, और उसके बाद मरना तो मुसल्लम है। बहरहाल इन मोहब्बतों से छूट कर गया, मगर फिक्र वही, अकल वही, शऊर वही, कहीं जमीन, कहीं माल, कहीं दुकान, कहीं औलाद। और आ गया ऐसे में महशर। तो अब जो आंख खुली, तो चूंकि जिंदगी थी मुसलसल, कहीं सोए थे कहीं जागे, तो अब जो आंख खुली तो वही या ऊंट था या घोड़ा था या जमीन की जरखेजी थी या बच्चे याद आए या बीबी याद आई। नतीजा ये कि वही मोहब्बतें जो दुनिया में जिनमें उलझ गया था, वही मोहब्बतें अब भी इंसान के दिमाग को घेरे हुए थी। बजाय इसके अगर मोहब्बत का कोई ऐसा मरकज रहे जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आए, दोनों में काम आए, तो उसमें बुराई क्या है। मैं गुफ्तगू हमेशा प्रैग्मेटिस्ट तरीके से करता हूं कि जहां आप नताएजियत पे गौर करें, अंजाम पे गौर करें, आकेबत पे गौर करें। इसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं कि आप ये देखें इसमें बुराई क्या है, बुराई क्या है। यानी एक तरफ तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ये कहें कि अगर तमाम सहाबे रसूल के फजाइल एक जगह कर दिया जाए और एक तरफ अली के फजाइल को कर दिया जाए, तो अली के फजाइल सब पर गालिब आ जाएंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल। और अगर हम ये कहें कि जब फजाइल सब पर गालिब आ जाएंगे, तो क्या इनकी मोहब्बत मजरत रसा होगी, नुकसान रसा होगी? क्या इनका बार बार नाम लेना तकलीफ देगा? अब जमाना खामोश है, जमाना खामोश है। अजीजा निगरामी, बहरहाल ये आपका कारवान एक ऐसे रास्ते पे जा रहा है, वहां मोतरिज बहुत, मगर कोई ये साबित करने वाला नहीं है कि उसका एतराज सही है। चूंकि एतराज सही नहीं है, इसलिए अपने कारवान को लिए हुए आगे बढ़े जाओ, आगे बढ़े जाओ। इस कारवान के बड़े बड़े मुहाफिज हैं, इस कारवान के बड़े बड़े मुहाफिज हैं, आपको अंदाजा नहीं है। इसमें उलमा है, उरफा है, उलमाए शुहदा हैं, इसी कारवान के मुहाफिज हैं। मोहम्मद इब्ने मक्की शहीद अव्वल, जैनुद्दीन शहीद सानी, काजी नूरुल्लाह शुस्तरी, मोहम्मद तकी कज़वाइनी, इसे कारवान के मुहाफिज हैं। अल्लामा मजलिसी मोहम्मद तकी अव्वल, मुकद्दस अर्दबेली शेख बहाउद्दीन आमिली, इसे कारवान के मुहाफिज हैं। जाफर इब्ने नुम्मा, अल्लामा हिल्ली, फखरुल मुहक्किकीन, मुहक्किक हिल्ली, फक्कार इब्ने साद मूसवी, शाहजान इब्ने असद कुम्मी, ये इसी कारवान के मुहाफिज हैं। मोहम्मद इब्ने बाबा कुम्मी, मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी, इसी कारवान के मुहाफिज हैं। वो तमाम मसाबे अइम्मा जिन्होंने जिंदगियां अपनी सर्फ कर दी हिफाजत में इस कारवान के, दिल मुतमईन है, दिल मुतमईन है। और सबका एक रास्ता है, सबका एक रास्ता है, इख्तलाफ नहीं है। इसी कारवान के मुहाफिज हैं आइम्मा, इसी कारवान के मुहाफिज हैं शोहदाए करबला, और इसी मुहाफिजीन की फहरिस्त में एक नाम है अब्बास का। अब्बास भी मुहाफिज है इस कारवान का। अब्बास, अब्बास ने हिफाजत अहले हरम की, अब्बास आज भी हिफाजत कर रहे हैं जायरीन की।
कारवान के मुहाफिज हैं अब्बास। अलम आ रहा है, बद्र से आया, उहद में आया, खैबर में आया, खंदक में आया, हुनैन में आया। एक अमल ऐसा अमल इतना जरूरी के जिसके मुतालिक याद रखने के काबिल ये जुमला है कि हजरत अम्मार यासिर का अमल देखिए कि इस मंजिल पर आकर आप लोगों के लिए शायद महल हिदायत हो कि अम्मार यासिर ज़ईफ़ी के बावजूद सिफ़ीन के जंग में तशरीफ़ फरमा है और यादगार उनका कारनामा है, यादगार अमल है उनका कि एक मरतबा खुतबा दिया सिफ़ीन की लौड़े और कहा सुनो ये हमारा कदीम अमल है कि हम जब लड़े हैं इस अलम के साए में लड़े हैं और तुम जब लड़े हो इस अलम के मुकाबिल आके लड़े हो और हम उसी अमल को दोहराते हैं हर साल एक अलम को सामने लाके। अल्लाह अलम, आपने सुना होगा एक शेर मेरे सलाम का के अलीयो हमजो जाफर भी थे अलम बरदार, अलीयो हमजो जाफर भी थे अलम बरदार, फिर उनके बाद अलम बन के आ गए अब्बास। अब अब्बास अलम है तो इसलिए इबादत नहीं है, एहतराम के लिए अगर ये पेशानी मस होती है तो वफा का एहतराम है, सिफ का एहतराम है, इखलास का एहतराम है, बंदगी का एहतराम है, उस अजमत शनासी का एहतराम है जहां हकीकत में एक ही इंसान पाया गया 72 के लश्कर में के फर्जंद भाई जीनत पहलू वफाशार, खादिम गुलाम, आशिक गुलाम, कादिम देरीना जानिसा, फर्जंद भाई जीनत पहलू वफाशार, हमदम मुती नमूदार नामदार, जर्रार यादगार पिदर फख्र रोजगार, सफदर है, शेर दिल है, बहादुर है, नेक है, बेमिसल सैकड़ों में हजारों में अमीर अनीस है, बहरहा अब्बास और आठवीं मुहर्रम ये साथ साथ इखलास बंदगी का कमाल, इखलास बंदगी का कमाल। दिल चाहता था कि आज इसी शहजादे के लिए यह मजलिस वक्फ हो। 25 बरस का फर्क है हुसैन इब्ने अली में और अब्बास, 25 साल का, यानी हुसैन इब्ने अली 25 बरस बड़े हैं, उनका 57 बरस का सिन है, इनका 32 बरस का। तो जब वो 25 साल के थे तो एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने तलब करके कहा हुसैन तुमको पता चला? कहा बाबा क्या है? कहा तुमको अल्लाह ने एक भाई दिया, जाओ अपने भाई का कुछ नाम रखो। तो हुसैन इब्ने अली आए, अब्बास को गोद में लिया, गौर से सूरत देखी, फिर बासुओं को बोसा दे के कहा ये अब्बास है। अब्बास लुगत में मालूम है अब्बास के क्या माने? बिफरा हुआ शेर। अब्बास बिफरा हुआ शेर। कहा ये अब्बास, मेरा अब्बास, लेके बाबा के पास। का क्या नाम रखा? का बाबा मैंने तो अब्बास नाम रखा। का बस बेटे, बस बस अब ये बच्चा तुम्हारे हवाले, अब ये बच्चा तुम्हारे हवाले। 25 बरस के सिन से हुसैन इब्ने अली ने
कभी गोद में, कभी कांधे पर, कभी आगोश में, कभी उंगली थामे हुए, कभी साथ साथ अब्बास को रख। अब अब्बास की निगाह में सिवा हुसैन के कोई नहीं। जिधर हुसैन की निगाह फिरती है, अब्बास की निगाह फिर। जिधर हुसैन देखते हैं, अब्बास देखते। हुसैन खुश है, अब्बास खुश है। हुसैन जलाल में है, अब्बास जलाल में है। इतनी एकानगत है दोनों भाइयों में। आपको मालूम है, ये उम्मुल बनीन के बेटे हैं, वो फातिमा जहरा के फर्जंद हैं। मगर मैंने कभी मर्सिये का वो बंदी पढ़ा था कि जब रुख्सत आकर के लिए गए थे हुसैन माँ की कब्र पर, तो ये आवाज आई थी, हाँ बुलाओ मेरा अब्बा से दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे प्यारे पर मसक्के उस पर, शिकमे गैर से गो है पर वो मेरा है। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजाक, आई जहरा की निदा, मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे है दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले। फजाइल अबुल फजल सुनते जाइए। हजरत सैयद उस्साजदीन बाद वाकए करबला 34 बरस जिंदा रहे और 95 हिजरी में इंतकाल हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। तमाम बुजुर्ग रावी अबू हमज़ा शिमाली वगैरह वगैरह ये सब असहाब जमा रहते थे और आप नकले रिवायत करते थे कि पिदरे गिरामी ने कहा, पिदरे गिरामी ने कहा, उनसे उनके पिदरे गिरामी ने कहा। अबू हमज़ा शिमाली बयान करते हैं कि एक दिन ऐसी ही कुछ गुफ्तगु थी कि कमसिन साहब ज्यादा दरबार में आया, इमाम ताजीम को खड़े हो गए, हम सब खड़े हो, जब वो बच्चा बैठ गया इमाम बैठ गए। मैंने हाथों को जोड़ के कहा फरजंद रसूल आप इस बच्चे की तादीम करते, कहा मेरे चचा अब्बास का बच्चा, मेरे चचा का बेटा, मैं इसकी तादीम कैसे न करूं, अब्बास का बेटा। इमाम हसन अस्करी जब दुनिया से जाने लगे तो नरगिस खातून आई, कदमों पर गिर पड़ी, कमसिनी में इंतकाल हुआ है इमाम हसन अस्करी का, पढ़ी और कहा मेरे सरदार ये 4 बरस के बच्चे को लेके कहाँ जाऊं, जमाना दुश्मन। तो फरमाने लगे इसी सामर्रे में फुला मोहल्ले में मेरे जद अब्बास के घराने से एक आदमी रहता, उसको जाके कहना जमाने का इमाम है इसकी हिफाजत करना, तो अब्बास की औलाद के जिम्मे कयामत तक अब यही है, कयामत तक अब यही है कि इमामत की हिफाजत अब्बास। फातिमा जहरा से रसूल ने पूछा कि बेटी शफाअत का इंतजाम क्या है इमाम सादिक, तो एक मर्तबा कहने लगी बाबा हमेशा आप मुतफक्किर रहते हैं शफाअत के लिए। बाबा आप मुतफक्किर न हो, कफाना लिशफाअत यदाने मख्तूअताने लवलदी अल अब्बास, बाबा हमको शफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के दो कटे हाथ का, दो कटे हाथ मेरे बेटे अब्बास, मेरे बेटे वलदी अल अब्बास।
मेरे बेटे अब्बास के दो हाथ काट दे। वलीद ने बुलाया, हुसैन इब्ने अली जाने लगे तो पहले अब्बास ने कहा आका आपको अकेले न जाने दूंगा। फिर शायद फरमाया नहीं अब्बास, अली अकबर और तुम बाहर रहो, मुस्लिम इब्ने अकील भी हैं, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार भी है, अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम आ जाना। वहां मरवान से झगड़ा हो गया, बात हुई, बात बढ़ गई, आपने पुकार के कहा कि तेरी मजाल है कि तू हुसैन को कत्ल करे, ये आवाज का बुलंद होना था। रावी कहता है कि तलवार को खेत के पहले जो आगे आए तो अब्बास, और एक मरतबा चाहा कि कत्ल कर डाले मरवान को, भाई ने बाजू पहाड़ तो अब्बास, ये मदीना है अब्बास, अब्बास ये मदीना है, सबकी निगाहें अब्बास पर लगी हुई है, सबकी हिम्मतें अब्बास से बंधी हुई है। अरे अब्बास जिंदा है, अरे अब्बास जिंदा है, भतीजी की तमन्ना अब्बास, बहन की आरजू अब्बास, हुसैन की हिम्मत अब्बास, सब कुछ अब्बास। और खुदा की कसम यह मजमा आज सुन रहा है, मोतरिस के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर आज हमारी भी वाहिद आरजू अब्बास, हमारी भी वाहिद आरजू अब्बास। वो भी अल्लाह का एक बंदा है, परस्तिश नहीं की जाती, मगर उसका इखलास याद है, उसकी वफा याद है। इखलास बंदगी का उन्वान ये चाहता था कि कोई पैकर इखलास सामने आए, तो पैकर इखलास में या बाप को देखा या बेटे को देखा। अब्बास मेरे शहजादे, सब सफर का वक्त आया, मदीने से चलने लगे, जब पूरा काफिला आगे बढ़ चुका, चाहा एक मर्तबा पूरे लश्कर को देख ले, घोड़े को कावा दिया, नाकों की कतारों को, सामान सफर जिन नाकों पर लदे हुए थे उनको सबको देख, हुसैन इब्ने अली की खिदमत में आए, सलाम किया, क्या चाहते हो, का इजाजत है हम कूच करें, फरमाया बिस्मिल्लाह, वापस आए, सबको इशारा किया, रकाब में पांव रखकर, चाहते थे पुश्त फरस का बुलंदो, एक मर्तबा बैतु शरफ का पर्दा उठा, कनीज ने आवाज दी, ठहरो मां बुला रही है, ठहरो मां बुला रही है। घोड़े से कूद पड़े, मां की खिदमत में आए, कदमों पर सर रखा, मां ने सर को कलेजे से लगा के कहा अब्बास तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ मेरा पूरा घर जा रहा, उम्मुल बनीन के कुल चार बेटे थे, चारों बेटों को भेज रही है, बड़ा पोता वो भी जा रहा है। तो अब्बास मैंने जिंदगी भर फातिमा की कनीजी में बसर कर दी, अब तुमसे भी ये तमन्ना है अब्बास कि कोई वक्त आए तो जान को भाई से अजीज न करना, जान को भाई से अजीज न करना, कहा अम्मा आप खुश हो जाएंगी, अम्मा आप मुतमईन हो जाएंगी। मगर अजीब बात थी, जब 20 मुहर्रम को सरकारी इत्तला पहुंची, फकत इतनी कि हुसैन कत्ल हो गए, तो भरी मस्जिद में एक मरतबा खड़े होकर कहा है खतीब, क्या मेरा बाग भाग गया ना। उम्मुल बनीन जिंदगी भर फातिमा जहरा की कब्र पर जाती रही और यही कहती रही, बीबी मैंने अपना हक अदा किया, मैंने अपने बच्चों को आपके बच्चे पर से सबका कर, और हुसैन ने भी वही एहतराम वही ख्याल रखा भाई का, काश सफर की नीयत से ही कोई करबला जाए, देखे किस शान से दो रोजे हैं, एक हुसैन का रोजा है, एक अब्बास का।
एक जगह नहीं है, अली अकबर कब्र में साथ है हुसैन के, अली अकबर साथ है, शोहदाए करबला पाई ने पा है, मगर अब्बास का रौजा वही दरिया पे है। दरिया पे वसीयत थी भाई लाश न ले जाना, लाश न ले जाना, जानते थे कि 57 बरस की उम्र में 32 बरस के भाई की लाश न उठ सके। रुख्सत ली, मैदान में आए, जब शाने पता हो गए तो एक मतलब नजफ की तरफ मुड़ के कहा, बाबा बाबा मेरी मदद करो, बाबा बात की मदद करो। मगर एक तीर आया मशकीरा छिदा, पानी बह गया, जैसे मशकीरा छिदा अब्बास गिर पड़ा, गिरते गिरते दो शहीद ऐसे हैं कि जिन्होंने इमाम को मदद के लिए आवाज नहीं दी, एक अली अकबर एक अब्बास, दोनों ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबता, अली अकबर ने कहा, अब्बास ने कहा अस्सलामु अलैका या अब्ना रसूलिल्लाह, क्योंकि जान रहे थे कि आका मदद करने के लिए नहीं आ सकते। आए मगर रावी कहता है जैसी आवाज पहुंची और हुसैन उठे और एक मरतबा खेमों के पर्दे भी उड़ गए, या अली कह के बीबियां निकली, तो पलट के कहा खबरदार कोई नहाए बाहर, हाय सकीना बीबी आपके दिल पे क्या गुजरी होगी बीबी, जब आपने ये सोचा होगा मैंने चचा को पानी लाने के लिए भेजा। खुद गए हाथों को जमा किया, अबादामाने अबा में सराहने पहुंचे, आंखों को पोछा, अपनी सूरत दिखाई, अब्बास मुस्कुराने लगे। क्या बात है अब्बास, क्यों मुस्कुराते हो? मौला मुझसे हमेशा मेरी वालिदा कहती थी, जब तुम पैदा हुए थे तो तुमने भाई को देख के मुस्कुराया था, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ आपको देख के जा रहा हूँ, अब कयामत तक ये तस्वीर आंखों में रहेगी, मगर मौला एक दरख्वास्त है, कहा अब्बास क्या ये आखिरी जुमला का, मौला मेरा सर आपके जानू पर है, इसको मिट्टी पर रख दीजिए। आपने फरमाया क्यों अब्बास, तकलीफ हो रही है? अर्ज किया नहीं आका, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जो कोई शहीद मरता है आप उसका सर जानू पर रखते हैं, मेरे मौला थोड़े दिन थोड़ी देर के बाद अब आप गिरेंगे घोड़े से।